डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि मार्केट में जब भी आप काम कर रहे हैं तो उस टाइम में आपको किस स्कैनर का जरूरत होता है। मेरे पास भी काफी सारे लोग फोन करते हैं या मैसेज आता है कि आप एक स्कैनर बनना है। स्कैनर का मतलब है आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इंट्राडे बेसिस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक स्कैनर का जरूरत होता है। स्कैनर का मतलब क्या है ना, उसमें आप कंडीशन लगा दो। कंडीशन क्या है ना, आपके रिसर्च, आपका जो सोच है उसके साथ आपको कंडीशन लगाना है। आपको लग रहा है कि मूविंग एवरेज के साथ आप कंफर्टेबल है, मूविंग एवरेज के साथ आपको काम करना है, तो मूविंग एवरेज को लेकर आप एक स्कैनर बना सकते हैं। आपको लग रहा है कि मुझे सेंट्रल पिवट लाइन को लेकर मुझे स्कैनर बनाना है और उसके रिलेटेड मुझे काम करना है, उसके ऊपर मुझे काम करना है, तो आप पिवट लाइन को लेकर आप स्कैनर बना सकते हैं। लेकिन जो स्कैनर का जो प्रॉब्लम है, आज के जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, मैं इस स्कैनर का प्रॉब्लम जो जीरोधा में काम कर रहे हैं उस लोगों के लिए, उस ट्रेडर के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। जीरोधा में ये ऑप्शन है कि जीरोधा काइट में आप यूज कर सकते हैं, उसमें आपको लिंक है और उसको आप लाइव ले सकते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रेटजी है जो आप खुद ही आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, फंडामेंटल डाटा एनालिसिस कर सकते हैं और आप आसानी से एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी स्कैनर आपको पेड वर्सन होता है कि आपको देना पड़ता है, उनको पैसा है कि मंथली बेसिस में आपको वो चार्जेस लेते हैं, नहीं तो आपको जो फ्री ऑफ है जो डाटा एनालिसिस उसमें है तो आप उसको यूज कर आप कर सकते हैं। दूसरी बात है, किसी स्टॉक के बारे में उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना सबसे बड़ा बात है, क्योंकि आप जब भी आप ट्रेड लेते हैं तभी आपको पता होना चाहिए कि ये स्टॉक का जो सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, वो करंट सिचुएशन में आपका जो फंडामेंटल एनालिसिस आपको होना जरूरी है, उसमें वो स्टॉक किस रेंज में है और स्टेटस उसका क्या है, मार्केट स्टेटस क्या है। करंट मार्केट स्टेटस आपको पता नहीं तो मार्केट में उस स्टॉक के ऊपर आपको काम करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए कभी भी स्टॉक आप जब भी सिलेक्शन करते हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस बेसिस में आप सिलेक्शन कीजिए और वो स्टॉक को उस रेंज में आपको पकड़ना चाहिए, आपको एंट्री करना चाहिए उस स्टॉक में। पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस होना जरूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको जीरोधा में आपको कैसे काइट सॉफ्टवेयर में आप कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और आप कैसे स्कैनर यूज करेंगे, उसमें आपको लिंक आपको मिल जाता है, हर स्टॉक का आपको मिल जाता है, इसके बारे में अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आइए हम स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाते हैं कि आप कैसे उस स्टॉक ये या इंडेक्स को न्यूज और फंडामेंटल और आपको जो स्कैनर का जरूरत होता है ये सब कुछ आपको काइट में फुलफिल हो सकता है। तो आप इसको यूज करेंगे तो आसान होगा, करंट मार्केट में आपको फायदा होगा। तो आइए हम स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाते हैं। अभी आइए मैं जीरोधा काइट ओपन किया है, तो आप देख सकते हैं कि जीरोधा काइट में आपको कैसे फायदा होता है। आप रिलायंस को आप देखिए, रिलायंस का मैंने क्या है ना, मैंने ओपन किया है एक जो चार्ट पैटर्न इसमें ओपन किया है। मुझे लग रहा है कि मुझे कब रिलायंस में एंट्री करना है, तो ये जो मैंने जो पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि एक अच्छे सेटलमेंट आपको करना है और जिसके हिसाब से आपको एंट्री लेना है। मार्केट हर टाइम में ऊपर अप एंड डाउन लगातार होता रहता है, लेकिन आपको रिलायंस के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, ये आज के लिए, अभी के लिए करंट मार्केट की क्या सिचुएशन हो सकता है। तो आप इसमें जो थ्री ऐसे पॉइंट है इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने से क्या होगा ना, नीचे में आपको क्या होगा ना, एक टेक्निकल एक फंडामेंटल, ये दोनों पॉइंट आपको जरूरी है। पहले तो आप फंडामेंटल में क्लिक कीजिए। फंडामेंटल में क्लिक करने से आपको डिटेल्स इसमें रिलायंस के बारे में पता लगेगा और इसके बारे में, इसका इवेंट के बारे में पता लगेगा, कुछ इवेंट वगैरह आ रहा है या उसका न्यूज के बारे में आपको पता लगेगा, अभी रिलायंस का क्या न्यूज आने वाला है और इसके बारे में डिटेल्स आपको पता लग जाएगा। और इसके बाद आपको सी डिटेल्स इन्फो में क्लिक करने से आपको डिटेल्स रिलायंस के बारे में आ जाएगा इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन आपको डिटेल्स आ जाएगा,
इस इंफॉर्मेशन में आपको इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपको यूज करना है। ओवरव्यू है आपको रिलायंस के आज के लिए, अभी के लिए क्या पोजीशन है, आप एसआईपी में क्या जो क्लिक करेंगे तो आपको रिलायंस दिखाएगा कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो ये डेवलपमेंट इंक्रीमेंट हुआ है कितना परसेंट आपको एसआईपी में आप काम करेंगे तो आपको रिटर्न मिलता है, पहला बात। दूसरी बात, मैक्सिमम पॉइंट में आपको क्या होने वाला है 2000 ये जो आप देख सकते हैं इसमें ये कि फ्रेम टाइम फ्रेम के साथ आपको दिखाया है मैक्सिमम पॉइंट में आसपास रिलायंस है। और आप नीचे जाएंगे तो आपको रेटिंग आपको रिलायंस के बारे में पता लगेगा, ब्रांड के साथ पता लगेगा, फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में पता लगेगा, ये डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाता है। तो फोरकास्ट में आपको क्लिक करने से आपको डिटेल्स रेटिंग एनालिसिस और आपको कितने परसेंटेज इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है और कितने परसेंटेज आपको रेवेन्यू मिला है ये वाला एनालिसिस इसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगा। और इसके साथ फाइनेंशियल डिटेल्स आपको इसमें आराम से आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरे मानना है जो आपको मिलता है इस फाइनेंस सेक्शन में कैश फ्लो आपको देखना जरूरी है किसी स्टॉक के, क्योंकि कैश फ्लो से आपको पता लगता है आपका जो ट्रेडिंग लेने के लिए जो आपका टारगेट होगा, आपका जो मैक्सिमम पॉइंट या टॉप पॉइंट, इस कैश फ्लो से आपको आसानी से कैलकुलेशन करने के लिए आसान होता है। और एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ आपको क्या होगा ना, आपको पीयर्स आपको क्लिक करने से आपको डिटेल्स पता लगेगा और आपको इसमें कंपैरेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं किसी स्टॉक के साथ ए रिलायंस को आप क्या करेंगे ना, कंपैरेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं। और नंबर टू क्या है, आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, फोरकास्ट देख सकते हैं और इसके साथ तो होल्डिंग में क्या हो रहा है, कितना होल्डिंग किया गया है FIDIM म्यूचुअल फंड रिटेलर, इसमें कितने कितने परसेंटेज इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। न्यूज बेसिस में क्या हो रहा है आपको पता लगेगा, कब इवेंट आ रहा है इसके बारे में न्यूज बेसिस में आपको पता लगेगा। किसी भी स्टॉक को आपको ट्रैक करने के लिए आराम से किसी स्टॉक के बारे में आप आराम से इसमें जाइए, एक क्लिक करने से फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल्स आ जाएगा। नंबर टू पॉइंट मैंने बताया था कि आप कैसे स्कैनर यूज करेंगे, ये है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें आपको क्या करेंगे ना, टेक्निकल में क्लिक करने से आपको बताता है समरी या 5 मिनट में क्या होना है, 5 मिनट में, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर और 1 डे में क्या होने वाला है, डिटेल्स आपको पता लगता है। और ज्यादा आपको पता लगना चाहते हैं तो आप इसमें स्कैनर यूज कीजिए। स्कैनर में आपको क्या करना है ना, इंट्राडे बेसिस में आपको स्कैन सेटिंग करना है, आपको क्या जरूरत है, क्या आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, इसमें आप स्ट्रेटेजी फिक्स कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी ले सकते हैं, लाइव स्ट्रेस कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्रिएट स्ट्रेटेजी, अपना स्ट्रेटेजी आप क्रिएट कर सकते हैं, डिटेल्स आप यहाँ पर स्ट्रेटेजी आप अपने आप के लिए बना सकते हैं, ये डिटेल काम इसमें ना, आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और अपना अपना स्ट्रेटेजी के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं। तो ये था आपको डिटेल्स बताने के लिए कि आपको जीरोधा पाई में आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट का जो सिचुएशन है, किसी भी स्टॉक को आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं। मैं और एक स्टॉक के बारे में भी बता देता हूं। आप देखिए कोटा का चल रहा है, कोटा का चल रहा है, ये मैंने आपको बताया कोटा का में एक फंडामेंटल एक टेक्निकल, एक टेक्निकल बेसिस में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 5 मिनट 10 मिनट क्या है, बुलिश से या बियरिश से आपको पता लग जाएगा। और आपको रिलायंस में आप गए थे एचडीएफसी बैंक में जाइए, टेक्निकल इसमें आपको पता लग गया। और ज्यादा जरूरत है तो आप स्कैन यूज कीजिए। और आपको फंडामेंटल एनालिसिस है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस में ये पूरा डिटेल्स आप यूज कर सकते हैं और सी डिटेल्स इन्फो में जाकर आप देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये था आज के लिए कि आप कैसे जीरोधा काइट सॉफ्टवेयर को यूज करके आपको स्कैनर और फंडामेंटल एनालिसिस आपको कैसे करना है। लेकिन इसके बारे में हम डिटेल्स आपको और एक वीडियो, क्योंकि ये सब बताने के लिए काफी टाइम लगता है और इसको डिटेल एनालिसिस करने के लिए और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए टाइम लगता है। मेरे चैनल में आपको 160+ वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें हमने काफी पूरे डिटेल्स मार्केट और स्टॉक के बारे में एनालिसिस किया है, हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस किया है, डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है मेरे चैनल में।
तो आप इस चैनल को जाइए, चैनल में आप देखिए, कभी हम लाइव स्ट्रीम आएंगे और उसमें आपको कैसे जीरोधा काइट में आप ये काम करेंगे, स्कैनर यूज करेंगे, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में डिटेल से एक दिन बताएंगे। लेकिन अभी के लिए जो शॉर्ट वीडियो होता है वो होता है कि आपके पास कैसे इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नाते में आपको बोल रहा हूँ कि हमने कोई जीरोधा का एजेंट नहीं है कि आपको कुछ इसके बारे में बताने से जीरोधा से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन हमारा मानना है कि जो प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं, जो प्लेटफॉर्म में कुछ आपको हेल्प हो सकता है, जो जरूरी काम है, जो जरूरी चीज है मार्केट में आपको हेल्प करने के लिए टेक्निकल बेसिस में, आपके पास मिलना चाहिए, आपको सपोर्ट मिलना चाहिए और आपको जानकारी मिलना चाहिए। आप अपने दिमाग लगाकर आप उसमें टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए, टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए फॉर रिसर्च, फॉर स्टडी। जितना आप स्टडी करेंगे, जितना आप रिसर्च करेंगे, जितना आप एनालिसिस करेंगे, तो आपका एनालिसिस लेवल उतना ही सही और आसान हो जाएगा। तो आपको मार्केट में किसी स्टॉक को लेकर काम करने के लिए आपका रिसर्च, आपका फंडामेंटल नॉलेज, आपका टेक्निकल नॉलेज सही होना जरूरी है। तो ये था आज का वीडियो। दूसरी वीडियो में आपको लेकर आऊंगा छोटे छोटे वीडियो, और ये छोटे छोटे वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा।